देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्री सुरक्षा, रेल संपत्ति सुरक्षा एवं यात्री सहायता में तत्पर रहते हुए रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्र के मुख्य आतिथ्य में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निकाली गई मोटरसाइकिल रैली को महाप्रबंधक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण किया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाए गए अमृत गीत तथा रेलवे सुरक्षा बल बैंड धुन से हुआ। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में जोश और हर्षोल्लास के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा साबरमती आश्रम में 12 मार्च 2021 को किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देशव्यापी स्तर पर मनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जत नगर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 30,000 वृक्षारोपण, 75 स्टेशनों पर रेल यात्रियों हेतु जल सेवा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके आश्रितों को सम्मानित किए जाने का कार्य, एलईडी डिस्प्ले वॉल तथा रेलवे सुरक्षा बल बैंड द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के 75 स्टेशनों पर जन जागरूकता अभियान एवं सुरक्षा बल की उपलब्धियों का आम जनमानस में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए गोरखपुर में एकत्रित हुई है। उन्होंने कहा कि आज यह रैली गोरखपुर से कुशीनगर, गोपालगंज होते हुए चंपारण के बापूधाम मोतिहारी स्टेशन के लिए प्रस्थान कर रही है। यह रैली स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरते हुए अन्य क्षेत्रीय रेलों के मोटरसाइकिल रैली समूहों के साथ 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट नई दिल्ली पहुंचेगी। महाप्रबंधक ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य जनमानस को जोड़ना तथा प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आरपीएफ की टीम करीब 4,000 से 5,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक डीके सिंह, मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद, मंडल सुरक्षा आयुक्त अमित प्रकाश मिश्रा, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल लखनऊ अमित प्रकाश मिश्र ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, अस्पताल पहुंचा दो, के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर सर इधर
एक बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए
इनिशिएटिव लेते हुए 20,000 वृक्षों का रोपण किया गया है। इस गर्मी के मौसम में 75 स्टेशनों पर इन्होंने रेल यात्रियों को जल सेवा प्रदान की है। स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं और उनके आश्रित हैं उनको सम्मानित किया गया है। जगह जगह पे LED डिस्प्ले वॉल लगाई गई है और RPF बैंड द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के 75 रेलवे स्टेशनों पर जन जागरूकता अभियान किया गया है। साथ ही रेल सुरक्षा बल, क्योंकि ये सुरक्षा बल है तो एक इमेज रहती है कि ये केवल सुरक्षा के पे इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। जैसा आप लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन में देखा कि अलग अलग जगह पर रेल यात्रियों से हर जगह जुड़े हुए हैं, उसका हम लोगों ने आम जनमानस में प्रचार भी किया है। इस अमृत महोत्सव में रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडल मिलकर एक मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए गोरखपुर में आई है। आज यहाँ से ये रैली कुशीनगर गोपालगंज होते हुए बिहार के चंपारण जिले में बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर जाएगी और वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न से गुजरते हुए अन्य क्षेत्रीय रेलों के मोटरसाइकिल रेलों समूह के साथ 15 अगस्त जो हमारा आगे वाला स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2022 की पूर्व संध्या पर नेशनल पुलिस मेमोरियल इंडिया गेट नई दिल्ली पर पहुंचेगी। आप सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं तथा मैं जीप के सुलभ एवं सुखद यात्रा की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद। के 75 वर्ष हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2021 में इस उत्सव की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम जो गांधी जी का जो कार्यक्षेत्र था, जहां से पूरी आज़ादी की लड़ाई का उन्होंने संचालन किया था, उसी क्रम में पूरा देश हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मना रहा है। हम लोग इसमें पीछे नहीं हैं। हमारे RPF की टीम तीनों मंडलों के इकट्ठे होकर एक जागरूकता अभियान उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में चलाया है। स्टेशनों के थ्रू होते हुए ये जा रहे हैं चंपारण, जहाँ से जो मोहनदास करमचंद गांधी जो व्यक्ति थे, जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था महात्मा पहुँचने तक का। अगर आप लोग हिस्ट्री में देखें तो पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण से हुआ था नील की खेती के अगेंस्ट, और वहीं से उनका मोहनदास करमचंद गांधी जी का महात्मा बनने का सफ़र शुरुआत हुआ, जिनको जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। इसीलिए उस जगह पर जो बापूलाल मोतिहारी स्टेशन है, वहाँ बापूधाम पर ये लोग जा रहे हैं, और बितिहारी आश्रम जहाँ से संचालन हो तो वहाँ भी ये लोग जाएंगे। उसके बाद सारी टीमें मिलके वापस नेशनल वार मेमोरियल जो दिल्ली में है इंडिया गेट के पास पुलिस मेमोरियल, वहाँ पहुँचेंगे और ये 14 अगस्त शाम तक पहुँच जाएंगे आज़ादी के 75वें हमारा जो पूर्व संध्या है उसके पहले। उसी पूरे देश की जागरूकता और सारे हर जनमानस इसमें जुड़े, यही इसका मेन मकसद है। यहाँ से दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली 1300-1400 करीब 4,000-5,000 हो जाएगा सब मिला के, आना और जाना लेके इन लोगों का।